दे सकते हैं। बीजेडी के सिद्धार्थ बाबू जो बहुत ही एक्टिव है और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उनके साथ में पिचू भाई भी हैं और हर कोई बीजेडी के नेता लगे। सर एक चीज देखें, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि एक तो आपने पब्लिक की समस्या के लिए एक तो प्लेटफॉर्म किया और लोग अपने पार्टी की अपने मोहल्ले की समस्या बताएंगे। और जो समस्या सर आप भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, ज़्यादा करके पानी पानी पानी, और दूसरा बात है लोगों का पट्टा, शौचालय, कई प्रकार का। आज तक सर, आज तक जब से सरकार बनी है अभी तो कुछ नहीं, एक तो मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आपको अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर ही में रहें, पानी मिलेगा, अमृत योजना, शौचालय, कई प्रकार के, लेकिन टोटल फेलियर फेलियर सर। तो सर इसके लिए जिस तरह आपके पास लोग आए हैं हर मोहल्ला से, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे सर, किस तरह जानना चाहते हैं? संबलपुर महानगर निगम केवल संबलपुर बुल्ला हीराकुद नहीं है, उसके साथ 12 पंचायत भी मिला हुआ है। ये जो महानगर निगम खड़ा हुआ है उसमें बहुत उन्नयनमूलक काम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी की सरकार ने लिया था। अभी 2 कोरोना गया, कुछ काम सही से नहीं हो पाया, उसके बाद जो काम हो रहा है हम देखे हैं उसमें कहीं काम का क्वालिटी ठीक नहीं हो रहा है। हम 38 करोड़ रुपया संबलपुर बस्ती का उन्नयन करने के लिए व्यवस्था के मुक्ता योजना के अंदर और कई योजना हुआ, स्कीम हुआ, प्लानिंग हुआ, लेकिन इस समय में उसका सुफल जो मिलना चाहिए लोग कई जगह पा नहीं पा रहे हैं। तो इसको अभी हम लोग जानना चाहते हैं, संबलपुर महानगर का 170 जो स्लम है जिसको बस्ती बोलते हैं, उनका नुमाइंदा प्रतिनिधि को हम लोग सब बुलाए हैं, उनसे हम सुन रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उनसे हकीकत का पता कर रहे हैं, उसके बाद क्या समस्या का हल कैसा हो सकेगा, सरकार सहित समन्वय स्थापन करके उसका हल किया जाएगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है आप लोगों को कहते हैं पहले अपनी समस्या बताओ फिर हम दूर करेंगे। अभी आपने कई समस्या सुनी सर, कोई कहता है मेरे को पर्चा पट्टा चाहिए तो कोई क्या चाहिए, तो इनकी समस्या कब तक दूर हो सकेगी सर? देखिए अभी अभी हम लोग का जो योजना हुआ है उस योजना में जागा मिशन के अंदर जो बस्ती बासिंदा है उनका व्यवस्था किया गया है। जो समली योजना, ऐतिहासिक समली योजना हुआ था उसमें जो 2 पड़ा का आदमी निकल गए थे उनका प्राय मोटा मोटी सबको जो उनका कंपेंसेशन दिया गया, उनका रहने का जगह व्यवस्था कर दिया गया है। तो उस हिसाब में अभी विद्यु आदर्श कॉलोनी भी बन रहा है, आवास योजना चल रहा है। उसके बाद हम लोग महिला SHG ग्रुप से जो जिम्मेदारी बाहर का ठेकेदार ये सब करने से काम खराब होता था, इसीलिए उस मोहल्ला का महिला SHG ग्रुप के जरिए उस मोहल्ला का काम कराने का व्यवस्था किया गया है। तो ये ऐसा बात नहीं कि 2 गुना 2 कर देने से 4 हो जाएगा, उसके लिए समय लगता है और ये समय खाली लगने से नहीं होगा। उसमें लोगों का क्या तकलीफ है, एरिया का क्या असुविधा है, उसको प्रशासन के साथ जोड़ के उसका हल करना चाहिए, उसका व्यवस्था का ये आरंभ किया गया है। इसीलिए 170 जो स्लम में वहाँ गए हैं, वहाँ जाके हम लोग देखे हैं, उनका लोगों से बात सुन रहे हैं, अभी उसका समाधान का रास्ता कैसे सरकार व्यवस्था का सही उसको जड़ित करके किया जाएगा उसका व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा लोगों को आप अपनी बात सुनो फिर हम अपनी बात सुनाएंगे, देखते हैं सर हम सिद्धार्थ बाबू कब अपनी बात सुनाएंगे, और लोगों की तो बात आपने सुन ली लेकिन कब सुनाएंगे वो हम लोग देखना चाहेंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।